वर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर है उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बापा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नदी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के दो द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। चार धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे चार धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। यह से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं।